बच्चियों के हाथ में मोबाइल, घर के अंदर और घर से बाहर, ये इन बच्चियों की बर्बादी का सबसे बड़ा जरिया है। अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपनी आल औलाद अहले खाना को भी जहन्नम की आग से बचाओ। हमारे और आपके माशरे में, हमारे जवानों के अंदर, लड़कों में, लड़कियों में जो बुराइयां फैल रही हैं, अगर उन पर कदम न लगाई गई, उनको जमा न किया गया, और जहां भी उलमा है, जिस गांव में है, जिस शहर में है, जिस मोहल्ले में है, अगर उनके हाथ को नहीं पकड़ेंगे तो एक दो नस्लों के बाद आपकी इन आबादियों के अंदर टोपी पहनने वाले और मस्जिदों को आबाद करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। खुदा न खौसा, वो माँ बाप जो अपने बच्चे को देख रहे हैं कि वो रास्ते से हटा हुआ है, उलमा को बताएं। उलमा का ये फर्ज है कि जाए, करीब करे, मोहब्बत और प्यार के साथ समझाए, और अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करके उसका सीधे रास्ते बन जाए। ये फर्ज है। मुझसे लोगों ने इस सफर में भी बताया, पहले भी बताते हैं, कि लोगों के अंदर जुआ, सट्टा, शराब, बदकारी पहले से बहुत ज्यादा है, और ये चीज आपकी भी इफ्फत और पाकदामनी के ऊपर भट्टा लगाएंगे। आपके बच्चे अगर महफूज नहीं है, लड़के, याद रखिए कि आपकी लड़कियां भी महफूज नहीं रह पाएंगी। दुनिया के अंदर आज वो तबके उभर रहे हैं, ताकतवर बन रहे हैं, जिनका मकसद ये बना हुआ है कि वो मुसलमान बच्चियों को आवारागर्दी का शिकार बनाए। मखलूक तालीम और मोबाइल सबसे बड़ा जरिया है बर्बादी का। बच्चियों के हाथ में मोबाइल, घर के अंदर और घर से बाहर, ये इन बच्चियों की बर्बादी का सबसे बड़ा जरिया है। ऐसे वाकयात होते हैं कि बच्चियां मखलूक तालीम के अंदर नहीं है, लड़कियां लड़कियों के स्कूल में हैं, लड़के लड़कों के स्कूल में हैं, इसके बावजूद एक तो वो टीचर जो उन लोगों के हाथ में हैं जो इन बच्चियों को बर्बाद करना चाहते हैं, दूसरे मोबाइल, इन्होंने इसके बावजूद उनको बर्बाद कर दिया। मैं आपसे कहता हूं, अभी मुजफ्फरनगर के अंदर मसला हुआ, पुलिस ने एक होटल के ऊपर जाकर छापा मारा, 50 लड़के और 50 लड़कियां पकड़ी गईं। जब पर्दा उठा उनके ऊपर से तो तकरीबन 36 या 36 से ज्यादा लड़कियां मुसलमान बच्चियां थी। ये बच्चियां
हैरत की बात यह है कि उस स्कूल की पढ़ने वाली थी जो स्कूल सिर्फ बच्चियों के लिए है। सवाल पैदा होता है कि इन लड़कों से जो मुसलमान लड़के नहीं थे इनका ताल्लुक कैसे पैदा हुआ। उसकी दो ही चीज है कि जो टीचर हैं वो मुसलमान नहीं है हालांकि होते हैं। दूसरी चीज मोबाइल, इसने तबाह करके रख दिया। अब उन माँ बाप का क्या हाल है जब ये तलमा के लोग वहां गए हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी ये टोपी तुम्हारे पैरों में, हमें बर्बाद मत करो। उन लोगों ने मुझसे कहा, मैंने कहा छोड़ दो, जिन्हें खुद अपनी बर्बादी के ऊपर रोना आता है और उन्होंने अपनी बच्चियों के हाथ को छोड़ दिया और ये समझते हैं कि मोबाइल और स्कूल में पढ़ना उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अगर इस पर कदम और रोक नहीं लगाएंगे तो आप अपनी बच्चियों की इफ्फत और पाकदानी की हिफाजत नहीं कर सकते। हजरत अमीर शरीयत साहब मेरे पास बैठे हुए हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत उलमा है, इसके लिए प्रोग्राम बनाओ, अपने कौम को राह रास्त पर किस तरह लाया जा सकता है, अपनी जिंदगी को खपा दो लगा दो। अगर इसके अंदर कोताही होगी तो आने वाले 50 साल के अंदर कितनी बर्बादी होगी आज आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। ऐसे लोग हैं मुल्क के अंदर जिनका प्रोग्राम यही है कि मुसलमानों के घरों के अंदर इफ्फत और पाकदानी का जनाजा निकाला जाए और वो इसके ऊपर लगे हुए हैं। मैं हम खाब उस चीज को ये मजमा ये जलसा वो सुनने के लिए नहीं है, मैं ये कहता हूं माँ बाप से भी कहता हूं, उलमा से भी कहता हूं, अमारत शरिया के जिम्मेदारों से भी कहता हूं कि खुदा के लिए कौम की फिक्र करो। सिर्फ इतनी बात काफी नहीं है, सही है, जमीयत उलमा का प्रोग्राम है कि आप वो स्कूल जिनमें पांचवी क्लास के बाद मखलूत तालीम है, आप मखलूत मिली जुली लड़के और लड़कियों की तालीम को बंद करें। खुदा ने जिनको ताकत दी है 10-20-25-50 आदमी मिलकर थोड़ी सी जमीन देकर बच्चियों के लिए अलग स्कूल, बच्चों के लिए अलग स्कूल बनाओ, कोशिश करो कि बच्चियों की स्कूल के अंदर पढ़ाने वाली मुसलमान टीचर मुहैया हो। इन स्कूलों के अंदर औरतों की जमातें भेजो, इन बच्चियों की तरबियत करें, इनके हाथ में मोबाइल न दो ताकि इनके ख्यालात परागंदा ना हो। अपनी आने वाली नस्ल की हिफाजत के लिए ये जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। हम अपने जिस मुल्क में रहते हैं जहां सियासत
हिंदू मुस्लिम अक्सरियत और अकलियत की नफरत के ऊपर टिकी हुई है, वो आपके और आपके बच्चियों की इज्जत और पाकदामनी को जिंदा नहीं रहने देना चाहते। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी आने वाली नस्ल को अल्लाह इर्तदाद से बचाएं और उन्हें मुसलमान छोड़कर मरे इसकी कोशिश कीजिए कि वो भी जब वक्त आए तो मुसलमान रहते हुए मरे। ये हमारी जिम्मेदारी है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपनी आल औलाद अहले खाना को भी जहन्नम की आग से बचाओ। ये जब ही होगा जब माँ बाप बहन भाई बड़े और छोटे इस नुक्ते नजर में सब मुत्तफिक हों कि हमें अपने घर दर औलाद बीवी बच्चे बच्चियों सबको जिस तरह हम मुसलमान हैं इन्हें भी मुसलमान ही बनाकर दुनिया से जाना है। ये भी अमानत शरिया का पहलू है, जरूरी है। इसलिए आप हजरात जिस वलवले और जज्बे के साथ आए हैं, मैं आपसे कहता हूं कि आपसी घरेलू झगड़े यकीनन उनका हल होना चाहिए। अमानत शरिया का प्लेटफॉर्म इसके लिए नहायत जरूरी है।